व्यूअर्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। और ये आपका फर्स्ट चैप्टर फ्रांसीसी क्रांति का सेकंड वीडियो है। इस चैप्टर की पहली वीडियो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, जहाँ आपने फ्रांस की सामाजिक व्यवस्था, फ्रांस पर बुर्बो डायनेसिटी थी उसके बारे में जाना, किसके बाद कौन शासक बना, किसने फ्रांस को फ़ायदा पहुंचाया और किसने फ्रांस को नुकसान। तो चलिए हम आज आगे का चैप्टर शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हम शुरू करेंगे फ्रांस में क्रांति की शुरुआत कैसे हुई। देखिए, इसे पहले के अध्याय में, इसे पहले का जो वीडियो है उसमें हम चर्चा कर चुके थे कि फ्रांस के अंदर बहुत सारा कर्ज लोगों पर चढ़ गया था। फ्रांस पर बहुत सारा कर्ज था क्योंकि फ्रांस लगातार युद्धों में व्यस्त था, जिससे जो सारा खजाना है वो सेना के रखरखाव और उनके खाने के प्रबंध करने में ही खर्च हो जाता था। इसके लिए जब लुई 16 फ्रांस का शासक बना तो उसके लिए ज़रूरी था कि वो अपना खजाना भरे, और खजाना भरने के लिए राजा के पास सबसे बड़ा एक ही हथियार होता है, वो है टैक्स को इंक्रीज करना, यानी कर को बढ़ा देना। लेकिन फ्रांस में राजा डायरेक्ट वो चाहे तो कर को नहीं बढ़ा सकता था, उसके लिए उसे एक स्टेट जनरल की परमिशन लेने की ज़रूरत थी। अब ये स्टेट जनरल क्या था? स्टेट जनरल करों के प्रस्ताव के लिए मंजूरी लेनी पड़ती थी, और यह एक राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीनों स्टेट अपने अपने प्रतिनिधि भेजते थे। उस सभा में क्या डिसीजन लेना है, क्या निर्णय लिया जाएगा, इस पर राजा का कोई बस नहीं चलता था। जो राजा है वो केवल बैठक को बुला सकता था, और बैठक में क्या निर्णय लिया जाना है ये तीनों स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स, जो प्रतिनिधि आएंगे, वो निर्णय लेंगे। इस राजनीतिक संस्था की, स्टेट जनरल की जो लास्ट मीटिंग थी वो 1614 में हुई थी। उसके बाद से इसको दोबारा से बुलाया नहीं गया था। अब जब फ्रांसीसी सम्राट लुई 16 ने 5 मई 1789 को नए कर बढ़ाने का जो प्रस्ताव था उसे मनवाने के लिए स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई। अब प्रतिनिधियों को मेजबानी के लिए आने के लिए वर्साय के एक आलीशान भवन को सजाया गया। अब हम ये बात कर चुके हैं कि फ्रांस में तीन स्टेट थे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट स्टेट के अंदर चर्चे जाते थे, सेकंड स्टेट के अंदर कुलीन वर्ग था, और थर्ड स्टेट के अंदर जो बाकी पॉपुलेशन बच जाती है वो। फर्स्ट और सेकंड स्टेट कोई टैक्स पे नहीं करते थे, सारे पे टैक्स जो हैं सारे कर थर्ड स्टेट के द्वारा दिए जाते थे। इवन चर्च भी थर्ड स्टेट से टैक्स वसूलते थे, तो इनके ऊपर ये दोहरा टैक्स देते थे। अब जब रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ बुलाए गए तो फर्स्ट स्टेट के 300 रिप्रेजेंटेटिव, सेकेंड स्टेट से भी 300 रिप्रेजेंटेटिव्स, और थर्ड स्टेट से 600 रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ जाते हैं। लेकिन वर्साय के महल में जो मजदूर थे या जो महिलाएं थे उनके आने पर पाबंदी थी, तो उन्होंने अपनी मांगों को चिट्ठियों में लिखा और चिट्ठियों के माध्यम से अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को दी, और जिसके माध्यम से वो अपनी मांगें राजा तक पहुँचा पाए। लेकिन वर्साय का जो महल था वहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट इस तरह का था कि थर्ड स्टेट, फर्स्ट स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव और सेकंड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव एक दूसरे की तरफ मुंह करके कुर्सियों पर बैठ जाते हैं, लेकिन थर्ड स्टेट के लिए सीट ही नहीं बचती है, तो थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव इनके पीछे खड़े हो जाते हैं। दूसरा जो निर्णय लिया जाता था वो बहुमत से लिया जाता था। अब बहुमत आप कैसे देखेंगे? ये जो फर्स्ट स्टेट है इसके 300 रिप्रेजेंटेटिव स्टेट जनरल की मीटिंग में गए हैं, लेकिन इन सब का वोट
जो है वो एक ही माना जाएगा, ठीक है। सेकेंड स्टेट के भी 300 रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वहाँ पर प्रतिनिधि गए हैं, लेकिन इनका वोट भी एक ही गिना जाएगा। थर्ड स्टेट के 600 प्रतिनिधि वहाँ पर गए हैं, लेकिन इनका वोट भी एक ही गिना जाएगा। यानी फ्रांस के अंदर जो वोटिंग सिस्टम था वो एक व्यक्ति एक वोट न होकर के एक स्टेट एक वोट था। अब यहाँ पर 300 की बजाय चाहे ये 400 हो, 500 हो या 1000 हो, वोट जो है वो स्टेट से माना जाएगा, यानी एक स्टेट का एक ही वोट माना जाएगा। तो हमेशा से ही फर्स्ट और जो सेकंड स्टेट हैं वो दोनों अपनी सहमति बना लेते थे, और थर्ड स्टेट के, क्योंकि इन दोनों का वोट मिलकर 2 हो जाता था, 1+1, और ये अकेला एक वोट रह जाता था, तो मेजॉरिटी हमेशा फर्स्ट और सेकंड स्टेट के साथ ही होती थी। इसलिए थर्ड स्टेट क्या सोचता है, कितने उसके रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं, इस बात का प्रस्ताव पर या उसके अनुमोदन पर या उसके स्वीकार या अस्वीकार होने पर कोई भी निर्णय इनका नहीं लिया जाता था। अब जब ये रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं तो यहाँ पर इन प्रतिनिधियों ने कहा कि आप एक वोट एक ना होकर के, एक स्टेट ना होकर के आप एक व्यक्ति एक वोट होना चाहिए। उन्होंने कहा कि केवल स्टेट वोट ना करे, अब की बार जो पूरी सभा है उसके द्वारा मतदान कराया जाए, जिसमें प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार हो। यहाँ पर आप समझें, क्योंकि फर्स्ट स्टेट के 300 हैं और सेकंड के 3 हैं और थर्ड अकेला ही 600, यानी फर्स्ट और सेकंड के बराबर है, तो मेजॉरिटी यानी कि बहुमत की संभावना थर्ड स्टेट के साथ है। तो थर्ड स्टेट ने ये मांग रखी कि अब की बार हमें पूरी जो सभा है वो वोट करेगी और एक व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार होगा। ये जो सिद्धांत है एक व्यक्ति एक वोट, इसके बारे में जो रूसो हैं उन्होंने भी अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था। लेकिन जब सम्राट को लगा कि थर्ड स्टेट की इस बार मेजॉरिटी है और बहुमत इनके साथ हो सकता है, तो वो उनकी मांग मानने से इनकार कर देता है। अब थर्ड स्टेट को आता है गुस्सा, वो कर देते हैं बायकॉट, वो सभा से बाहर आ जाते हैं अपना विरोध दिखाते हुए। अब वो इकट्ठा होते हैं 20 जून को, ये सारे प्रतिनिधि वर्षाय के एक इंडोर क्रिकेट कोर्ट में जमा होते हैं और अपने आप को ही नेशनल असेंबली घोषित कर लेते हैं, और ये शपथ भी लेते हैं कि जब तक सम्राट की शक्तियों को कम करने वाला संविधान बनकर तैयार नहीं हो जाता है, तब तक वो अपनी इस नेशनल असेंबली को भंग नहीं करेंगे। और इस पूरे जो टेनिस कोर्ट का ये जो इनकी शपथ ग्रहण थी या नेशनल असेंबली घोषित करना था, इन सब का नेतृत्व कर रहे थे मिराबयो और आबे सीए, ठीक है। कई बार आपसे पूछ लिया जाता है टेनिस कोर्ट ओथ क्या थी, तो टेनिस कोर्ट ओथ यही थी कि थर्ड स्टेट के जो 600 प्रतिनिधि थे वो 20 जून को वर्षाए के इंडोर स्टेडियम में इकट्ठा होते हैं, वहाँ पर अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित करते हैं और ये शपथ लेते हैं कि जब तक सरकार सम्राट की शक्तियों पर अंकुश लगाने वाला वो संविधान कोई नहीं बना लेते, तब तक वो खुद को भंग नहीं करेंगे, यानी इस नेशनल असेंबली को भंग नहीं होने देंगे। और इसका नेतृत्व मिराबयो और आबेशिये नामक दो व्यक्तियों ने किया था। हालांकि जो मिराबयो था वो बहुत ही कुलीन परिवार से संबंध रखता था, लेकिन जो विशेष अधिकार थे सामंतों के पास से, मिराबयो उससे नफरत करता था और चाहता था कि समाज से ये जो विशेष अधिकार का सिस्टम है ये ख़त्म हो जाना चाहिए। आबेशिये जो थे वो मूलतः एक पादरी थे, और इन्होंने एक शीर्षक से एक पैम्पलेट भी छापा था जिसका नाम था तीसरा स्टेट। ये आप टेनिस कोर्ट ओथ में जब ली जा रही थी उसका चित्र है। ये एक पेंटिंग है जो वहाँ के एक लुई
जो पेंटर थे जॉक लुई डेविड, उन्होंने बनाया था। अब जिस वक्त नेशनल असेंबली का प्रारूप तैयार करने में सब व्यस्त थे, पूरा फ्रांस आंदोलित हो गया था। ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि कड़ाके की ठंड। अब ये हमारी स्टोरी वापस से वहीं आ जाती है जहां हमने अपनी कहानी शुरू की थी। मैंने आपको बताया था, जैसे आपकी फिल्मों में होता है कि सबसे जो स्टार्टिंग होती है वो दिखाई जाती है कि हीरो जेल के अंदर है, या उसको फांसी की सज़ा सुनाई गई है, या उसको उम्र कैद दे दी गई है, और तब वो अपनी स्टोरी बताता है रिवाइंड करके। ठीक है, तो हमारी भी स्टोरी ऐसे ही आती है। हमने सबसे पहले जब हमारा स्टार्टिंग होता है चैप्टर का, तो हमने देखा कि पूरे पेरिस शहर में भगदड़ मची हुई है, हुड़दंग हो रखा है, और लोग जो हैं वो सड़कों पर आ गए हैं, जेलों पर हमले कर रहे हैं, राजा से नफरत कर रहे हैं, पाव रोटी जो है उसकी कीमतें बढ़ गई हैं, बेकरी शॉप्स पर अटैक हो रहे हैं। तो ये सब जो अब हमारे सामने आया है वो कैसे धीरे धीरे करके प्रोसेस में आया, यानी कि जब नेशनल असेंबली गठित हो गई थर्ड स्टेट ने, जब वो संविधान बनाने पर बात कर रहे थे, तो उस समय पर ये सारी चीज़ें हो रही थी जो हमने अपने फर्स्ट वीडियो में चेक बात कर चुके हैं। अब जो गांव के इलाके थे, जो ग्रामीण इलाके थे, वहाँ पर जब लोगों को पता चलता है कि जो सामंती लोग हैं उन्होंने भाड़े के कुछ गुंडे बुलाए हैं या लठैत बुलाए हैं, और वो इनकी फसलों को ख़राब करने के लिए निकल पड़े हैं, तो कई जिलों में जो है वो भय से घबरा कर जो किसान थे उन्होंने कुदालों और बेलचों से जो ग्रामीण किले थे, यानी कि जिसे चाटियों कहा जाता था, उन पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। अन्न भंडारों को लूट लिया गया, लगान संबंधी जितने भी दस्तावेज उन सरकारी बिल्डिंग्स में थे, उन किलों में थे, सबको जला दिया गया, सबकी राख बना दी गई। कुलीन जो हैं वो बड़ी संख्या में इन किसानों की ऐसा एग्रेसिव, ऐसा आक्रामक रुख देखकर डर गए और अपनी जागीरें छोड़कर भाग गए। बहुत से जो आसपास के पड़ोसी देश थे उनसे जाकर के शरण ली। अब राजा को लगा कि बास्तील जेल पर हमला हो गया है, और ये अब किसान भी इतने अग्रेसिव हो गए हैं, यानी कि सिटी और विलेज दोनों ही जगह लोग जो हैं बहुत गुस्सा हो गए हैं। तो लुई 16 ने अनुमान लगा लिया कि अब प्रजा की शक्ति को रोकना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए लुई 16 ने नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी और यह मान लिया कि उनकी उसकी सत्ता पर अब से संविधान का अंकुश होगा। 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था का उन्मूलन का आदेश पारित कर दिया। पादरी लोगों के पास जितने भी विशेष अधिकार थे उन सबको वो छोड़ने पर विवश कर दिया गया। धार्मिक कर को समाप्त कर दिया गया और चर्च के पास जितनी भी जमीन थी उसे जब्त कर लिया गया। इस प्रकार कम से कम 20 अरब लिब्रे की संपत्ति सरकार के हाथ में आ गई। अब हम बात करते हैं कि जो फ्रांस है वो गणतंत्र कैसे बना। अब वो एक ऐसा राजतंत्र बन गया था जो संविधान से चलता था। नेशनल असेंबली ने 1791 में संविधान का प्रारूप तैयार किया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? कि जो सम्राट निरंकुश हो गया है उसकी शक्तियों को निरंकुश करना, सॉरी उसकी शक्तियों पर अंकुश लगाना, उसकी शक्तियों को सीमित करना। एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रीकृत होने के कारण जो शक्तियां हैं अब वो विभिन्न संस्थाओं में जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में विभाजित व हस्तांतरित कर दी गई। अब प्यारे बच्चों, न्यायपालिका आप समझते हो, ये हम भारतीय संविधान में भी पढ़ते हैं कि विधायिका होती है जो नियमों को कानून बनाती है, ठीक है। कार्यपालिका होती है विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करते हैं, और न्यायपालिका होती है कार्यपालिका द्वारा लागू किए गए नियमों का पालन करवाना, लोगों को उसके बारे में स्पष्टीकरण देना ताकि लोग स्वेच्छा से उसका पालन कर सकें, लोगों को न्याय दिलवाना। तो अब जो नया संविधान आया उसमें
जो शक्तियां थी वो इन तीनों असेंबलीज में बांट दी गई। अब यहाँ पर देखिए, वहाँ पर नागरिक भी दो तरह के थे, सक्रिय और निष्क्रिय। पहले वो वोट डालते, जिससे जो निर्वाचक पुरुष थे वो वोट डालते, फिर नेशनल असेंबली बनती थी। नेशनल असेंबली में से ही मंत्री और सम्राट बनते थे और न्यायाधीश अलग होता था। अब जब कानून बनाकर 1791 में नेशनल असेंबली को सौंप दिया गया, तो नेशनल असेंबली अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी। अप्रत्यक्ष मतलब जैसे हम यहाँ होते हैं, हम अपने नेता को प्रत्यक्ष चुनते हैं, हम वोट डालते हैं और उसी को नेता चूज करते हैं, वहाँ पर ऐसा नहीं होता था। सर्वप्रथम नागरिकों का एक निर्वाचक समूह का चुनाव करते थे, यानी कि सारे नागरिक मिलकर के एक निर्वाचक समूह बनाते, जो अपने में से ही असेंबली के सदस्यों को चुनते थे। सबसे बड़ी बात, सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार नहीं था, जैसे अभी हमारे भारत में है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, उस समय पर सभी नागरिकों को नहीं था। 25 वर्ष से अधिक उम्र के केवल उन पुरुषों को सक्रिय नागरिक कहा जाता था जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे, यानी कि अपनी सैलरी में से 3 दिन की जो सैलरी है उसको टैक्स के रूप में देते हों पर मंथ, ऐसे व्यक्ति ही वोट डाल सकते थे। बाकी पुरुषों और महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक के रूप में माना जाता था। अब जो निर्वाचक की योग्यता प्राप्त करने और असेंबली का सदस्य होने के लिए लोगों का जरूरी था कि वो सबसे ज्यादा टैक्स पे करें। इसके साथ ही नागरिक का पुरुष और नागरिक अधिकार घोषणा पत्र का काम भी शुरू हुआ, जिसमें जीवन के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, कानूनी बराबरी का अधिकार और नैसर्गिक एवं अहरणीय अधिकार के रूप में स्थापित किया गया। ये अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को जन्म से प्राप्त थे और इन अधिकारों को छीना नहीं जा सकता था। ये आप घोषणा पत्र देख सकते हैं, उस समय का 1790 में ले बार्बिये द्वारा बनाया गया था। इसमें आप एक तरफ फ्रांस को और बाईं ओर कानून को निरूपित किया गया है। ये राजनीतिक कुछ प्रतीक हैं, टूटी हुई जंजीरें इस बात का प्रतीक थी कि दासों को अब दासता से मुक्त कर दिया जाएगा। छड़ों का बर्छीदार गठर जो है वो इस बात का प्रतीक था कि अब पूरे गठर को ही नहीं बल्कि अकेली छड़ को आसानी से तोड़ा जा सकता है, लेकिन गठर को नहीं, एकता में बल का प्रतीक था। त्रिभुज के अंदर रोशनी बिखेरती आँखें जो हैं वो सर्वदृशी आँख ज्ञान का प्रतीक थी। राजदंड शाही सत्ता का प्रतीक था। अपनी मुंह पूंछ में लिए हुए जो सांप है वो समानता का प्रतीक था, क्योंकि अंगूठी का कोई और छोर नहीं होता, वो चारों तरफ से एक जैसी ही होती है। जो लाल रंग की फ्राजियन टोपी थी वो दासों द्वारा स्वतंत्र होने के बाद पहने जाने वाले टोपी थी। नीला और सफ़ेद लाल ये फ्रांस के राष्ट्रीय रंग थे। डेनो वाली स्त्री ये कानून का मानवीय रूप है और ये विधि पट है जिसके ऊपर कानून लिखे गए थे और इसमें कहा गया था कि सबके लिए कानून समान है। अब बात करते हैं फ्रांस में जो राजतंत्र है उसका उन्मूलन कैसे होता है और गणतंत्र की स्थापना कैसे होती है। जब लुई 16 ने संविधान पर हस्ताक्षर तो कर दिए, क्योंकि लुई 16 जो है वो गांव और शहरों में जो लोगों का आक्रामक रवैया था उससे घबरा गया, लेकिन वो नीचे ही नीचे प्रशा के राजा से साठ गांठ कर रहा था, उसकी गुप्त बातचीत चल रही थी उससे। और फ्रांस में ये जो लगातार लोगों के द्वारा आक्रामक घटनाएं हो रही थी, इससे जो उसके पड़ोसी देशों के शासक थे वो बहुत चिंतित थे। उन्हें लगा कि अभी ये उनके यहाँ हो रहा है, धीरे धीरे वो हमारे लोगों को भी इस पर प्रभावित करेंगे। इसलिए 1789 की गर्मियों के बाद ऐसी होने वाली घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए
इन सभी शासकों ने सेना भेजने की योजना बना ली, लेकिन इस योजना पर अमल होता या लुई 16th प्रशा के राजा के साथ मिलकर अपनी नीति को, अपनी गुपचुप वार्ता को लागू करता, उससे पहले ही अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली ने प्रशा और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। प्रांतों से हजारों स्वयंसेवी सेना में भर्ती होने के लिए जमा होने लगे। यूरोपीय राजाओं व कुलीनों के विरुद्ध जनता ने जंग छेड़ दी। उनके होठों पर देशभक्ति के गाने गाने लगे। कवि जो रॉजेट द लॉयल हैं, वो उन्होंने मर्शले भी लिखा था और यही गीत बाद में मर्शलेस के स्वयंसेवियों से पेरिस को आर कूच करते हुए गाया था, इसीलिए इस गाने का नाम मर्शले हो गया और अब यह फ्रांस का राष्ट्रगान है। आपको याद रखना है फ्रांस का राष्ट्रगान ली मर्शले है, जो कि रॉजेट द लॉयल ने लिखा था। ठीक है, आप ये इसको अंडरलाइन कर सकते हो, आप नोट डाउन कर सकते हो। अब जो क्रांतिकारी युद्धों में जनता को भारी क्षति, अति आर्थिक कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी, पुरुषों के मोर्चों पर जाने के बाद जो औरतें थीं उन्हें ही घर संभालना पड़ता था, सारी जिम्मेदारी औरतों पर ही आ गई। अब जो औरतें थीं वो उन्होंने भी जो जैकोबियन क्लब होते थे पूर्व में, जो कि कॉन्वेंट ऑफ जैकब के नाम पर इन जैकोबियन क्लब का नाम पड़ा था, तो उनका हिस्सा बनाना शुरू कर दिया और उन्होंने भी अपनी गतिविधियां बढ़ा दी और मांग करना, अपने अधिकारों की मांग करना शुरू कर दिया। जैकोबियन क्लब जो होते हैं वो समाज के जो सबसे कम समृद्ध हिस्से थे उनके वो सारे सदस्य वहाँ से आते थे, जैसे छोटे दुकानदार, कारीगर, जूता बनाने वाले, पेस्ट्री बनाने वाले, घड़ी साज, छपाई करने वाले और नौकर व दिहाड़ी मजदूर। ठीक है, जैकोबियन क्लब पर संक्षिप्त नोट लिखना, 3 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। तो जैकोबियन क्लब जो है वो सबसे कम समाज का कम समृद्ध हिस्सा होता था, जिसमें छोटे मोटे मजदूर व कारीगर आते थे। इनका नेता मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर था। जैकोबिनों ने एक बड़े वर्ग ने गोदी कामगारों की तरह धारीदार लंबी पतलून पहनने का निर्णय लिया। ऐसा उन्होंने समाज के फैशन परस्त वर्ग, खासतौर से घुटने तक पहने जाने वाले ब्रिचेस यानी घुटना पहनने वाले कुलीनों से खुद को अलग करने के लिए किया था। उस समय पर जैसे इस समय में आप लोग कैपरी पहनते हैं ना, वो जो घुटने तक आती है यहाँ तक, तो वो जो कैपरी है वहाँ का जो फैशन पसंद, जो अमीर लोग होते थे वो कैपरी पहनते थे और उस कैपरी से, उस ब्रिचेस उसको कहा जाता था उस टाइम पर, तो उस ब्रिचेस से खुद को अलग दिखाने के लिए उन्होंने ये फुल पेंट पहनी थी, जिसमें वो दिखाना चाहते थे कि हम जो ये ब्रिचेस पहनने वाले जो कुलीन लोग हैं इनकी सत्ता को जल्द ही समाप्त कर देंगे। इसीलिए जो जैकोबिन होते थे उनको सोकुलात कहा जाता था, जिसका शाब्दिक अर्थ होता था बिना घुटने वाले। सोकुलात पुरुष लाल रंग की टोपी भी पहनते थे जो स्वतंत्रता का प्रतीक होती थी, लेकिन महिलाओं को ऐसा कुछ भी करने की अनुमति नहीं थी। अब 1792 तक की गर्मियों में जैकोबिनों ने जो खाद्य पदार्थ की महंगाई एवं अभाव से नाराज पेरिश वासियों को लेकर के एक विशाल हिंसक विद्रोह की योजना बनाई। 10 अगस्त की सुबह उन्होंने टुलेरिये के महल पर धावा बोल दिया, राजा के रक्षकों को भी मार डाला और खुद राजा को कई घंटों तक बंधक बनाए रखा। बाद में असेंबली ने शाही परिवार को जेल में डाल देने का प्रस्ताव पारित कर दिया। नए चुनाव कराए गए। 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी पुरुषों, चाहे उनके पास संपत्ति हो या नहीं हो, का को मतदान का अधिकार दिया गया। यहाँ याद रखना है आपको, महिलाओं को अभी भी मताधिकार नहीं दिया गया है। अब जो नई असेंबली बनी थी उसका नाम कन्वेंशन रखा गया था। 21 सितंबर 1792 को उसने राजतंत्र का अंत कर दिया, फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित किया,
गणतंत्र सरकार का वह रूप होता है जहां सरकार एवं उसके प्रमुख का चुनाव जनता करती है। यह वंशानुगत राजशाही नहीं है। आप कुछ अन्य गणतांत्रिक देशों के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हो, जैसे भारत है, भारत भी एक गणतंत्र ही है। यहाँ पर सरकार व सरकार चलाने वाले जो प्रमुख होते हैं उनका चुनाव हम यानी कि जनता अपने वोट के अधिकार का प्रयोग करके प्रत्यक्ष रूप से करती है। अब लुई 16 को जब न्यायालय में पेश किया जाता है तो उसे देशद्रोह के आरोप में मौत की सजा सुना दी जाती है और 21 जनवरी 1793 को पैलेस डी ला कॉनकॉर्ड में उन्हें सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी जाती है। और जल्द ही जो उनकी क्वीन थी, उनकी रानी थी मैरी एंटोइनेट, उसको भी फांसी दे दी जाती है। तो इस तरह से बुर्बो राजवंश का शासन फ्रांस में ख़त्म हो जाता है और वहाँ पर शासन अब आता है गणतंत्र का, संविधान का। उसके बाद 1793 से 1794 का आतंक राज आता है। अब ये आतंक राज क्या है, हम जो जैकोबियन क्लब था अब वो शक्तिशाली हो गए थे और शक्तिशाली होने के बाद उनका जो राजा था मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, वो खुद को वहाँ का फ्रांस का शासक नियुक्त कर देता है। उनका जो शासक था, नियंत्रण एवं दंड की उनकी जो नीति थी उसे ही आतंक राज कहा जाता है। आतंक राज आपको याद रखना है 1793 से 1794 में का जो काल है वो आतंक युग कहलाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो रॉबेस्पियर है वो सिर्फ कोर्ट का में जो कोर्ट होते थे, न्यायालय होते थे, उनका अंदर उसमें वही निर्णय लिया जाता था जो रॉबेस्पियर का निर्णय होता था, वो केवल नाम मात्र होते थे। जो भी व्यक्ति रॉबेस्पियर की नीतियों का विरोध करता, वो चाहे उसकी खुद की ही पार्टी के सदस्य क्यों ना हो, याद रखेंगे केवल जनता ही नहीं, यदि उसकी खुद की पार्टी के सदस्य भी उसकी बात का विरोध करते तो वो सबको एक कठोर दंड देता था जो होता था गिलोटिन, यानी गिलोटिन पर चढ़ाकर उस अपराधी के सिर को उसके धड़ से अलग कर दिया जाता था। अब ये गिलोटिन क्या होती है, दो खंभों के बीच में लटकते हुआ एक आरे की मशीन होती है जिस पर रखकर अपराधी का सिर जो है वो धड़ से अलग कर दिया जाता है। इस मशीन को बनाने वाला डॉक्टर गिलोटिन था, उसी के नाम पर इस मशीन का नाम गिलोटिन पड़ा। अब जो रॉबेस्पियर है उसने शासक बनते ही जो नीतियां थी वो बदल डाली। गोश्त एवं पावरोटी की राशनिंग कर दी गई। राशनिंग यानी कि राशन की जो दुकानें होती हैं आजकल, उस तरह से भी उनको इस तरह राशन के रूप में बांटा जाता था। किसानों को जो मजबूर किया गया कि वो अपने अनाज को शहरों में ले जाकर सरकार ने जो कीमत तय की है उस पर बेचें। महंगा जो सफ़ेद आटा होता है जिसको मैदा बोलते हैं, उस पर रोक लगा दी गई थी। अब जो सभी लोग हैं, सभी नागरिक, वो साबुत गेहूं से बनी और बराबरी का प्रतीक माने जाने वाली समता रोटी खाना ही सबके लिए अनिवार्य कर दिया। बोलचाल और संबोधन में भी बराबरी का आचार व्यवहार लागू करने की उसने कोशिश की। उन्होंने मॉन्श्योर यानी महाशय और मदाम यानी महोदया के स्थान पर अभी सभी फ्रांसीसी महिलाओं व नागरिकों को सितोयन यानी कि नागरिक और सितोइन यानी कि नागरिका नाम से संबोधित किया जाने लगा। वो ये दिखाना चाहता था कि मैं अब फ्रांस में समानता स्थापित करना चाहता हूँ, लेकिन वो अपने नियमों को इतनी सख्ती से लागू करवाता था कि अब जो उसके समर्थक हैं, जो पहले सोचते थे कि रॉबेस्पियर एक बहुत ही अच्छा शासक सिद्ध होगा, अब वो उससे डरने लगे थे और उससे उसको हटाना चाहते थे। और अंततः जुलाई 1794 में न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहराया गया और गिरफ्तार करके उसको वही सजा दी जो वो दूसरों को देता था, यानी गिलोटिन पर उसको लटका दिया गया। अब आता है भारत फ्रांस में डायरेक्टरी शासन।
जकोबियन क्लब का भी पतन हो गया। उसके बाद अब जो संविधान था उसके तहत संपत्तिहीन तबके को मताधिकार से वंचित कर दिया गया था। इस संविधान में दो चुनी हुई विधान परिषदों का प्रावधान था। अब ये जो परिषदें थी ये 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका को चयन करती थी जिसे डायरेक्टरी कहा जाता था। ऐसा जकोबियन काल के समय में जो एक व्यक्ति के द्वारा शासन किया गया था उससे बचने के लिए ये डायरेक्टरी रूल इस्टेब्लिश किया गया था। डायरेक्टरी की राजनीतिक अस्थिरता ने सैनिकता नशा नेपोलियन बोनापार्ट के मार्ग का प्रशस्त कर दिया। यानी कि अब फ्रांस में कोई भी डायरेक्टरी के और उस कार्य विधानपालिका के बीच में हमेशा ही डिस्प्यूट रहता था और जिसका मौका मिला नेपोलियन को। लेकिन उससे पहले हम महिलाओं के बारे में बात करते हैं कि महिलाओं ने भी के बीच में भी ऐसी कोई क्रांति हुई है। तो जो महिलाएं हैं उन्होंने बहुत सारे फ्रांसीसी समाज में बहुत परिवर्तन किए। तीसरे स्टेट की जो महिलाएं थी वो जीविका निर्वाह के लिए काम करती थी, सिलाई बुनाई कपड़ों की धुलाई करना, बाजारों में फल फूल सब्जियां बेचती थी, संपन्न घरों में काम करती थी। बहुत सारी महिलाएं तो वेश्यावृत्ति भी करती थी। लेकिन जो कुलीन परिवारों की महिलाएं थी वो धनी परिवारों की लड़कियां थी, वो कॉन्वेंट में केवल कॉन्वेंट में पढ़ पाती थी। इसके बाद उनकी शादी करती जाती। कामकाजी महिलाओं को अपने परिवारों का पालन पोषण भी करना पड़ता था, जैसे खाना पकाना, पानी लाना, लाइन में लग के पाव रोटी लाना। इस तरह से जब राजनीतिक क्लब शुरू हुए, अखबार निकले, तो इन्होंने भी अपने क्लब बनाए। और उस समय पर फ्रांस में लगभग 60 ऐसे क्लब थे जो महिलाओं के थे। इन्होंने जो उसमें सबसे फेमस क्लब था वो था द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिक वुमन। लेकिन जब राजनीतिक अधिकारों की बात आई तो 1791 में जब दोबारा से नई सरकार बनी उस समय पर भी उनको निष्क्रिय नागरिक का ही दर्जा दिया गया, तो उनका दिल बिल्कुल ही टूट गया। उन्हें लगा कि हम इतने सारे राजनीतिक संगठन बना करके, क्लब बना करके भी हम अपने लिए एक मत का अधिकार नहीं ले पा रहे हैं। उनका मानना था कि तभी नई सरकार में उनके हितों का प्रतिनिधित्व होगा जब उन्हें मत का अधिकार दिया जाएगा। सरकारी विद्यालयों की स्थापना के लिए उन्होंने शिक्षा को अनिवार्य बनाया गया। अब पिता उन्हें अपनी मर्जी के खिलाफ शादी के बाध्य नहीं कर सकते थे। शादी को स्वैच्छिक अनुबंध माना गया। नागरिक कानूनों के तहत उनका पंजीकरण किया जाने लगा। तलाक को कानूनी रूप दे दिया गया और मर्द और औरतों दोनों को ही तलाक के लिए अर्जी देने का अधिकार दिया गया। अब मताधिकार और की बात जब होती थी तो अपने राजनीतिक महिला अधिकारों के लिए महिलाओं ने खूब संघर्ष किया है। उनके राजनीतिक क्लबों को जबरदस्ती बंद कराया गया, उनकी राजनीतिक गतिविधियों पर भी प्रतिबंध लगाया गया और बहुत सारी जो जानी मानी महिलाएं थी उनको गिरफ्तार कर लिया गया, उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया एक डर की भावना पैदा करने के लिए, ताकि जो दूसरी महिलाएं हैं वो डर कर खुद ही पीछे हट जाएं। लेकिन वो जो आंदोलन था उनका रुकने वाला नहीं था, वो लगातार अपने अधिकारों के लिए मांग उठाती रही और अंत में 1946 में फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार हासिल हो गया। ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जाता है, अंडरलाइन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? 1946 में। अब बात करते हैं दास प्रथा की। फ्रांसीसी जो उपनिवेश थे उनमें दास प्रथा का उन्मूलन जैकोबियन क्लब के क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों में से एक था। कैरिबियाई उपनिवेश मार्टिनिक, गॉडेलॉप, सेंट डोमिंगो, ये सब उस समय तंबाकू के लिए बहुत फेमस होते थे और जो अपरिचित व दूर देश जाने वाले और काम करने के प्रति यूरोपियों की अनिच्छा का मतलब था बागानों में श्रम की कमी। सेंट डोमिंगो जो कैरिबियाई उपनिवेश थे उनमें तंबाकू, नील, चीनी एवं कॉफ़ी जैसी वस्तुओं के महत्वपूर्ण आपूर्ति करता थे, लेकिन लोग वहां जाकर खुश नहीं होते थे, जिससे बागानों में जो
मजदूर थे जो बागान मजदूर थे उनकी कमी हो गई। तो इस कमी को यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच एक त्रिकोणीय दास व्यापार ने पूरा किया। फ्रांसीसी जो सौदागर होते थे वो बोर्दे या नांते बंदरगाह से अफ्रीका तट पर जहाज ले जाते, वहाँ वे स्थानीय सरदारों से दास खरीदते और दासों को दाग कर वह हथकड़ियाँ डालकर अटलांटिक महासागर के पार कैरिबियाई देशों तक 3 माह की समुद्री लंबी यात्रा में के लिए जहाज़ों में ठूंस ठूंस कर भरा जाता था और फिर उनको बागान मालिकों को बेच दिया जाता। इस श्रम जिससे बहुत सारा इनका जो व्यापार था वो फलता फूलता रहा। 18वीं सदी में फ्रांस में दास प्रथा की निंदा नहीं हुई, नेशनल असेंबली में हालांकि लंबी लंबी बहसें बहुत हुई लेकिन किसी ने भी इसे ख़त्म करने के प्रयास नहीं किए। जो दास व्यापार पर निर्भर व्यापारी जो थे उनके विरोध के चलते नेशनल असेंबली ने ऐसा कोई भी कानून पारित नहीं किया जिससे इन दासों की स्थिति में थोड़ा सुधार हो जाए। 1794 में जो कॉन्वेंशन थी उसने फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासों को मुक्ति का कानून पारित कर दिया लेकिन वो भी एक छोटी सी अवधि तक ही रहा। 10 वर्ष के बाद जो नेपोलियन था उसने दास प्रथा को फिर से शुरू कर दिया। अब बागान मालिकों को अपने आर्थिक हित सोचने के लिए जो अफ्रीकी निग्रो थे, निग्रो होते हैं अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान में पाए जाने वाले जो स्थानीय लोग होते हैं उनको निग्रो कहा जाता है और उनके लिए ये एक अपमानजनक शब्द होता है जिसका वो इस्तेमाल प्रायः नहीं करते थे, तो उन्हें गुलाम बनाने की स्वतंत्रता मिल गई थी और फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप से दास प्रथा 1848 में ख़त्म हो गई थी। यहाँ ये भी 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपको याद करना जरूरी है, दास प्रथा का उन्मूलन फ्रांस में कब हुआ था? 1848 में। अब जो क्रांति है उसकी रोजाना की जो जीवन थी उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा? बास्तील का हमने पढ़ा था कि बास्तील का किला जो है उसको गिरा दिया गया, उस पर अटैक हुआ, तो उसके बाद से महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। सबसे पहले सेंसरशिप की समाप्ति की गई। सेंसरशिप क्या होती है? आप अखबार, न्यूज़पेपर, मैगजीन, पैम्फलेट आदि में सरकार के विरुद्ध कुछ भी नहीं लिख सकते, तो ये जो सेंसरशिप थी सबसे पहले इसको ख़त्म किया गया। सबको अब लोग किताबों, अखबारों, नाटकों और राजा को सेंसर अधिकारियों द्वारा पास किए जाने के बाद उनको प्रकाशित या मंचित किया जाने लगा। भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई जिसके कारण जो अखबार, पर्चों, पुस्तकों की छपी हुई तस्वीरों की बाढ़ सी आ गई। लोग गांव देहात या फ्रांस में घट रही घटनाओं एवं परिवर्तनों का ब्यौरा, उन पर टिप्पणी दी जाने लगी। जो प्रिंट मीडिया था वो बहुत फल फूल रहा था। नाटक, संगीत, उत्सवी जुलूसों में असंख्य लोग जाने लगे। स्वतंत्रता, न्याय, ये जो बड़े बड़े भारी भरकम शब्द थे, दार्शनिकों को, राजनीतिकों को उनके बारे में क्या विचार थे उनको समझने के लिए सबसे अच्छा माध्यम नाटक, संगीत और उत्सवी जुलूस ही होते थे। ऐसा क्यों? क्योंकि जो उस समय पर ज़्यादातर जो जनसंख्या थी वो तो अनपढ़ थी, तो जो अनपढ़ लोगों तक पुस्तकें और पैम्फलेट उनके किस काम के, तो उन लोगों तक पहुंच बनाने के लिए नाटक, संगीत और जुलूस ही सबसे महत्वपूर्ण होते थे। इसके बाद 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट बनाया। उसने यूरोपीय देशों की विजय यात्रा शुरू कर दी। उसने पुराने पुराने जितने भी राजवंश थे सबको हटाकर अपने जो खानदान के लोग थे उन्हीं को अपना उन्होंने उसने राजा बना दिया ताकि कि किसी और से बहसबाजी ही ख़त्म हो जाए। नेपोलियन खुद को यूरोप का आधुनिकीकरण का अग्रदूत मानता था। या आपको यूरोप के आधुनिकीकरण का अग्रदूत किसे माना जाता है तो नेपोलियन को ये याद रखना है। उसने निजी संपत्ति की सुरक्षा के कानून बनाए, दशमलव प्रणाली पर आधारित नाप तोल की एक समान प्रणाली चलाई। हालांकि जब
शुरू शुरू में नेपोलियन आया तो लोगों को लगा अरे ये तो वाकई में मुक्तिदाता है, ये जो कहता है ये वही कर रहा है। लेकिन जब धीरे धीरे लोगों जो नेपोलियन की सेना थी वो लोगों को सताने लगी तो लोगों को लगा कि अरे ये भी सब उन्हीं राजाओं के जैसा है जो अभी तक हम पर शासन करते आए हैं और इसको जल्द ही यहाँ से भगा देना चाहिए। और आखिरकार 1815 में जो वाटरलू की लड़ाई होती है उसमें नेपोलियन की हार हो जाती है और यूरोप के बाकी हिस्सों में उसने जो मुक्ति और आधुनिक कानूनों को फैलाने वाले उसके जितने भी उपाय थे उनका असर उसकी मृत्यु के बहुत सालों बाद देखने को मिला। तो स्टूडेंट्स ये था आपका चैप्टर फ्रांसीसी क्रांति। इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर हैं वो आप खुद कर सकते हैं और जहाँ तक आप मेरी माने तो आप कोई भी प्रश्न उत्तर आप पैराग्राफ फॉर्म में ना लिखें, जितना हो सके आप खुद के पॉइंट बनाइए और उन्हीं पॉइंट्स को एक्सप्लेन करिए। इससे आपका जो पेपर है वो अट्रैक्टिव लगेगा और आप जो भी कहना चाहते हो वो क्लियरली एग्जामिनर को समझ आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।